अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अलमीम एंटरटेनमेंट। मैं जो हूँ अलमीम गोट फार्म पर हूँ और माशाल्लाह आपको एक बेहतरीन चीज़ देखिए, कॉल ना करें इसके लिए, बिक्री में अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दस मैं अलमीम की पलाई दिखा रहा हूँ, अल्लाह ने जो खूबसूरती बनाई है वो अल्लाह की तारीफ आपको बता रहा हूँ। और ये हमारे कस्टमर है दानिश भाई, उनका बकरा है फ्रॉम बड़ौदा, तो उनका बकरों का शौक़ दिखा रहा हूँ और वीडियो जस्ट इसी वजह से शूट कर रहा हूँ ताकि इनको लाइफ के अंदर में कभी भी अपना बकरा याद आए और उसको देखना हो तो वो अपना चैनल खोले और अपने बकरे को देखे। कितनी बार देखे, लोग बोलते हैं ना कि शो ऑफ, तो ये बात शो ऑफ की नहीं है, ये बात जस्ट इसी वजह से है कि जब इनको अपने बकरे की याद आएगी तो वो क्या है, इजीली चैनल पे जाकर दुनिया में कहीं भी बैठे हो वहाँ से अपना बकरा देखेंगे कुर्बानी का और याद करेंगे कि माशाल्लाह क्या, जस्ट फॉर एक मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी के लिए जो है ये बकरों का शूट होता है जो शौक से करवाते हैं। थोड़ी इनकी डिटेल के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या डिटेल, इसके साथ क्या हुआ, कब आया और किस तरह से जो है बकरा हुआ, बकरा बना। अलमीम की अपडेट, अलमीम की पलाई के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर का अपडेट भी बताएंगे। चलिए, माशाल्लाह कोटा के अंदर में है और इसका नाम जो है तैमूर है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इस साल 2024 का सबसे खूबसूरत कोटा बकरा, शो स्टॉपर जो मैंने देखा, इतना शूट किया। देखिए, ऐसा नहीं कि अलमीम पर हूँ इस वजह से, लेकिन मैंने, आप खुद भी कमेंट में बता सकते हैं, जिन्होंने हमारे सारे वीडियो देखे वो भी बता सकते हैं माशाल्लाह कि इससे खूबसूरत कोटा इस सीज़न में मैंने नहीं देखा। चलिए, ये जो है दानिश भाई का बकरा है, जैसे मैंने बताया प्लेफुल मस्ती, हमेशा मैं बताता हूँ कि बकरे खुश होने चाहिए, बिक्री में नहीं है। 101 kg, 101 kg पर है माशाल्लाह और जस्ट 6 दांतों पर। ये बच्चा जब आया था अलमीम पर तो बहुत छोटा बच्चा, 25 kg पर आया था ये बच्चा, ओनली 25 kg पर, लेकिन आज आप देखिए चीज़ माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती पूरा तर गुलाबी वाइट के अंदर में और मार्बल सिंग, मार्बल घुर, बहुत प्यारी चीज़ आपके सामने माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लिखे आप कोटा बकरों का, जिनको भी शौक है फॉर नेक्स्ट ईयर आप जो है पलाई पे अलमीम पे छोड़ सकते हैं और पलाई चार्जेस जो है बढ़ने वाला है। पलाई चार्जेस जैसे कि देखिए अभी एक ऑफर रहेगा कि टील अभी आप ईद तक, ईद से पहले भेज देते हो तो आपका बकरा जो है 3,200 यानी 3,200 में पलाई पे रखा जाएगा और ईद के बाद अगर भेजोगे तो बकरे की पलाई चार्जेस होने वाली है 3,500। तो ये एक ऑफर है कि आप जल्द से जल्द भेजें, अदरवाइज नेक्स्ट ईद के बाद आएगा तो 3,500 होगा पलाई का। चलिए माशाल्लाह, ये आया था 25 kg पर, उसके बाद में जो है यहाँ पर अपने यहाँ इसको हो चुके 18 महीने हुए, लेकिन चीज़ क्या बनी है, 18 महीनों के अंदर 100 kg पर यानी 75 kg का गेन। देखिए वज़न अलग चीज़ है, लेकिन बकरा कैसा बना है वो चीज़ देखिए, थोड़ा खोल के छोड़ के दिखाऊं आपको ताकि मज़ा आए। तुम्हें ज़रा मस्ती करा, ये है तैमूर हमारा अलमीम का और कोटा के अंदर में बेहतरीन चीज़। तो जिसको अगर पलाई पे छोड़ना है 2025 के लिए, बकरा बनाना है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, आप जो है अलमीम गोट फार्म का कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इन्हें चलाओ इसको, इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ बना कर देंगे। ये देखिए एक्टिव मस्ती फुल प्ले ऑफ, एक्चुअली कल सुबह मॉर्निंग जाने वाला है मालिक के घर, तो आज जो है मैंने सोचा इसका शूट कर लूँ ताकि उसके बाद में मौका ना मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी गुलाबीपन देखिए आप, बहुत खूबसूरत। आप हर कोई लिखे कि अल्लाह जो है हमारे दानिश भाई की कुर्बानी को कबूल करे और अल्लाह हर एक की कुर्बानियों को कबूल करे, अपनी नियतों का मामला है ये, तो अल्लाह जो है हर एक की कुर्बानियों का कबूल करे। देखिए कुर्बानी एक बहुत बड़ा अमल है और जो कि लोग
इतना शौक से करते हैं, जो पलाई करवाते हैं उसके बाद में उसकी कुर्बानी करते हैं, तो बहुत ही उसके पीछे दिल भी लगता है, पैसा भी लगता है, पूरे साल का रिस्क भी होता है, कितना रिस्क के साथ बकरा पाला जाता है। तो जो है आप हर एक जो है ये शौक़ को अल्लाह बरकरार रखे और आगे चल के अपना शौक़ करें, कुर्बानी करें। और जिस किसी को वंस अगेन के अगर आपको कुर्बानी करनी है, पलाई पे बकरा छोड़ना है, तो अलमीम पर भेजिए, इंशाल्लाह फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो है पलाई पर लिया जाता है। देखिए हमारे पास स्पेस जो अवेलेबल है और 200 बकरों की रहती है, उनमें से 80 बकरे ऑलरेडी आ चुके हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, तो बाकी के लिए आप जो है जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।